क्वेश्चन नंबर 27, एक क्वेश्चन अपने पास है, ये 7x-2y/x(y=5) एंड नेक्स्ट क्या है, 8x+7y/xy=15। ओके, तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो नाउ ओके, तो राइट द फर्स्ट इक्वेशन जो कि है ये अपने पास 7x-2y/xy=5। ओके, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखो 7x/xy-2y/x टू फाइव। ओके, क्योंकि एक्स वाई इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे, तो इधर से क्या हुआ, एक्स से एक्स कट हुआ, इसमें वाई से वाई कट हुआ। तो इक्वेशन क्या आएगी, 7y-2x/5। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, सेकेंड बस क्या, 8x+7y/xy=15। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 8x/xy+7y/xy=15। तो x से x कट हुआ, इधर y से y, तो व्हाट वी गेट, 8y+7x=15। इक्वेशन सेकेंड, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये सेम उसी के उसमें आ गया फॉर्म में। हमें क्या करना है, लेट पुट 1/y = u एंड 1/x = v इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फर्स्ट और सेकंड में अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा, 7u-2v=5। लेट टेक इट इक्वेशन थर्ड, और ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 8u+7v=15। अब देखो इसे एलिमिनेट, हम इसे इनके जो ये u और v के फॉर्म में इक्वेशंस आ गई, हम इसमें क्या कर सकते हैं, u या v दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल कर एलिमिनेट कर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, v के अगर हम कोफिशिएंट सेम करें, v के कोफिशिएंट, तो इसमें v का कोफिशिएंट क्या है, 2, और इसमें v का कोफिशिएंट कितना है, 7। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे 7 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन थर्ड y7 एंड इक्वेशन 4y2। तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 49 होगा, 49u-14v=5735। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, इक्वेशन 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16u+14v=30। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम सिंपली अगर एडिशन कर दें, उसमें ही जो ये वी का टर्म है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, एडिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो 49u-14v=35 और ऐड क्या करना, 16u+14v=30।
फोर्टीन वी से माइनस फोर्टीन वी क्या हो गया, एलिमिनेट ना, फोर्टीन यू और सिक्सटीन यू कितना होता है 65 इक्वल टू, एंड 30 एंड 35 कितना होता है 65, तो यू इक्वल टू कितना आ गया 1। तो हम बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में यू की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगी वी की वैल्यू मिल। लेट डू नाउ पुट यू इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड क्या है अपने पास 7u माइनस टू वी इक्वल टू 5, हाँ यही इक्वेशन है। इसमें 7u की जगह क्या रखना है 1 माइनस टू वी इक्वल टू 5, तो टू वी इक्वल टू कितना आएगा माइनस टू वी, 7 को कर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 7 मीन्स माइनस 2, तो v इक्वल टू कितना आ गया 1। नाउ हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में 1 अपॉन x इक्वल टू v लिया था, सो 1 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है 1, तो हेंस x इक्वल टू क्या आया इधर से 1। सिमिलरली हमने 1 अपॉन y क्या लिया था u, एंड u की वैल्यू कितनी आई 1, तो y विल आल्सो 1। सो दिस इज द आंसर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1।